हाय फ्रेंड, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। ये देख सकते हैं नींद टूट गई लेकिन उठे नहीं हैं, बेड पर ही सोए हुए हैं। तो चलिए झटपट से उठते हैं। उठने के बाद ये हम थाली वगैरह धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और सहेली झाड़ू पोछा कर रही है। दोनों मिल के झटपट से हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ऊत मेरे से पहले उठ गई। बाहर से पानी लाना पड़ता है हर चीज़ का, नहाने का, बर्तन धोने का या कपड़ा धोने का। तो उस सुबह उठ के पता नहीं कब उठी और वो अपना काम में लग गई, हमको बुलाई भी नहीं। हम लेट से उठे, इसके बाद उठने के बाद कुछ काम बाकी था बर्तन वगैरह तो हम धो दिए। इसके बाद ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, इस तरह बाहर का व्यू है ये। और ये है घर का मेन गेट और यहाँ से ये छोटा सा ही दरवाज़ा है। ये पोछा लगा रही है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। तो हमको पोछा लगाने नहीं दे रही है, सहेली बोल रही कि हम ही पोछा लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं इधर पोछा लगा रही है, इसको शुरुआत किचन से आए थे फ्रेंड कुछ सामान लेने के लिए। ये देख सकते हैं दुकान से हम सामान लेके जा रहे हैं, चीनी लेके जा रहे हैं, चाय पीना है अभी। और ये देख सकते हैं हम दोनों चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। हम चाय तो पीते नहीं हैं लेकिन इसको दो टाइम चाय की आदत है तो उसके साथ साथ में हमको भी चाय पीना पड़ रहा है। और चाय है और ब्रेड है तो वही गपशप कर रहे हैं। मेला वगैरह का 30 जून का मेला था, मेला गए थे तो पूरा रात भर मेला में थे। सुबह आए ना तो अजीब टाइप का लग रहा था नींद 10 दिन भी सोएंगे तो पूरा नहीं होगा। इसके बाद रात में कल को था वहाँ पर पूजा, जो शिव मंदिर में पूजा था। मेरी सहेली लोग का गांव में हर जाति के लोग हैं तो पूजा वगैरह करते हैं तो सबको प्रसाद या भोग देते हैं, तो खिचड़ी बनाया था वही खा रहे हैं। चिकन बना रहे हैं, कोसा कोसा बना रहे हैं और मेरी सहेली पूजा कर रही है। और नहा धो के अभी हम दोनों खा रहे हैं 2 बजे खाना। और खाना में है चिकन कोसा और पानी भात, जैसे गरम चावल में पानी डाल के उसमें नमक लगा के खा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है और हर टाइम पंखा के नीचे में हम लोग बैठे हुए हैं फिर भी गर्म लग रहा है क्योंकि ऊपर में ना जो अल्वेस्टर का छत है तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो रूम में ना अगबकीटा साइप का लगता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं गर्म, एक तो गर्म लग रहा है ऊपर से फिर इधर गर्म चावल, तो सोचें कि हम दोनों पानी भात खाते हैं। और ये देख सकते हैं खाना वाना खा के ये सीरियल में बिजी है, इतना सीरियल में मस्त मगन है। और ये देख सकते हैं खाना खा के हम लोग सो रहे हैं अभी दोपहर में थोड़ा सा। आप सबको गुड इवनिंग, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और रेडी होके हम बैठे हुए हैं। अभी हम दोनों बाजार जाएंगे तो चलिए आप लोग भी हम दोनों के साथ बाजार, तो चलिए। और ये है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर का बेनासिटी बाज़ार और हम दोनों टोटो में बैठे हैं प्रांतिका में और प्रांतिका से जा रहे हैं हम लोग पूरा बेनासिटी बाज़ार होके कालीवाड़ी क्योंकि वहाँ कुछ पार्लर में काम है तो वहीं पर जा रहे हैं। तो ये पूरा मेन रोड है, मेन बाज़ार है बेनासिटी का, बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा बाज़ार है। आज तो सोमवार है फिर भी बहुत सारी दुकानें बंद है लेकिन बाकी दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि मत ही बोलिए। और आज भी भील है हल्का फुल्का लेकिन देखिए सेल वगैरह लगा हुआ है। सोमवार का दिन में जो दुकान बंद रहता है उसके बगल में सेल वगैरह लगता है। और ये है नया खुला हुआ है मैक्स बाज़ार और ये देख सकते हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। और इतनी बड़ी इतनी लंबी बाज़ार है कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए पूरा
दिखाई आप लोग को नहीं, हम दिखा रहे हैं, ये है काली मंदिर कालीबाड़ी इसको बोलते हैं, और यही है बगल में पार्लर, ये आ चुके हैं पार्लर में, ये देख सकते हैं। हमेशा हम आते हैं तो एक ही पार्लर में हम आईब्रो वगैरह चाहे कुछ भी यही पर बनवाते हैं, इतना पार्लर छोड़ के पार्लर में फिर वहाँ से हम लोग आ गए और घर के लिए। तो ये है लच्छा परोठा, सहेली को मन है लच्छा परोठा खाने का, तो ये देख सकते हैं उसी का सहेली है, जान पहचान है, मतलब सहेली टाइप की ही है, तो उसी का दुकान में हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए घर पर मिलते हैं आप लोग से। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप लोग, ये लुक कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अब पार्लर में जाके छोटा छोटा करवा लें, पूरा झड़ रहा था ना और बहुत पतला हो चुका था तो इसीलिए कटवाएंगे। और ये देख सकते हैं सीरियल देखते देखते हम दोनों खा रहे हैं, तो सुबह मिलते हैं। फ्रेंड फिर से गुड मॉर्निंग, ये दूसरा दिन मॉर्निंग का वीडियो है, ब्रेड पूड़ी और पायस ये देख सकते हैं, ब्रेड है, पूड़ी है, जलेबी है और पायस है, और चाय बन रही है आज सुबह का, ये नाश्ता है। फ्रेंड हम दो चार दिन के बाद घर वापस लौटे हैं, आज ही लौटे हैं, और हम दो तीन दिन बाहर थे, सहेली का घर में थे, 30 जून का मेला था, रथ मेला लगा हुआ था, तो घूम रहे थे मेला वगैरह, तो इसीलिए हम दो चार दिन उधर हम बिताएं और आज वापस हम घर लौटे। और ये देख सकते हैं हम वहाँ से ये पप्पी लेके आए, ये देसी डॉग है, और मुझे हर तरह का डॉग पसंद है लेकिन हम देसी डॉग लेके आए हैं। इस लोग जो भाई बहन है ना, 10 भाई बहन है, और उसकी मम्मी अच्छा से इन लोग को पेट भर के दूध भी नहीं दे सकती क्योंकि 10 भाई बहन है, तो आप लोग समझ सकते हैं 10 भाई बहन तो दिन में कितना लोग दूध पीते होंगे, 2-4 बार, तो पेट भरता नहीं है अच्छा से। और इन लोग अभी रास्ता में ही भटकता फिरता था, और कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं नाली में गिर के कोई मर जाता है, तो हम सोचे कि एक थो लेके जाते हैं। और मेरी बेटी भी बहुत जिद कर रही थी कि मम्मी हमको ना डॉग ला देना, तो खरीद के तो नहीं ला सकते और ये देसी लेके आए हैं क्योंकि हमको अलग टाइप का भी डॉग पसंद है जो मार्केट में मिलता है। एक बार कलकत्ता गए थे तो बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पर डॉग देखें खरीदने का मन कर रहा था, लेकिन वो लोग का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, वो लोग का रहन सहन खान पान बहुत अलग टाइप का होता है। और ये जो है ना हम लोग का जो देसी डॉग है ये हम लोग का जैसे ही है, ये लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, ज़मीन में सोते हैं, दाल चावल जो भी घर में बनता वही खा लेते हैं, इन लोग में उतना तामझाम नहीं है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, अपना जो घर में बनता है उसी खाना में ये लोग खा लेते हैं, और जहाँ जैसे बोलिएगा वहाँ जाके एडजस्ट कर लेते हैं, ज़मीन में सोते हैं, बेड में सोते हैं, जहाँ बोलिएगा वहाँ ये लोग सो जाते हैं, तो इसीलिए यही हम लेके आए, ये मेरा सुविधा के अनुसार ये मुझे मिला और लगा, तो यही हम देसी डॉग लेके आए। तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 महीना लगभग हुआ है, और अभी तो इसको खरीद के दूध पिला रहे हैं, और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा दाल चावल इसको खिलाने का कोशिश कर रहे हैं, 1-2 बूंद दाल दे रहे हैं, और बाकी ये दिन में 3-4 बार इसको दूध पिलाते हैं गर्म करके। तो कैसा लगा आपकी, और ये बॉय है और इसका नाम मैंने अभी सोचा नहीं है, ये तो आज ही इसको लेके आए हैं, और इसका नाम सोच के आप लोग को फिर दूसरा वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग से मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जोहार।